अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओएनसी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, एफएसजे बब्बू राणा और महम कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आपके लिए स्पेशल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इन हाउस है? जी सर। मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। एक मर्द जो जिंदा नहीं है लेकिन एशियाई है, ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। इंडिया से? नो सर। पाकिस्तान से? जी सर। जी शकील साहब, डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर, 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा? ऑलमोस्ट 1998 के अराउंड। ओके चले, दैट्स हेल्पफुल। तो शोभा जो है सियासत और हुकूमत? नो सर। अच्छा, इल्म और फजल? जी सर। जी सर, गुड गुड गुड। इसके साथ ही 10 सवाल हो चुके हैं। ये पहले होनी चुकी शख्सियत? नहीं सर। अदीब? कोई अदीब है? जी सर। अदीब मतलब 97-96 कौन है इस वक्त में? इंतजार हुसैन भी नहीं हो सकते क्योंकि वो बाद में फौत हुए हैं। वो तो अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल 4-5 साल हुए हैं। 7-8 साल गालबन हो गए। सूबे पे आए शकील साहब? हाँ सूबे पे। जी जी। ताल्लुक सूबा पंजाब से है? जी सर। गुड। उर्दू में या पंजाबी में लिखते हैं? लिखते उर्दू में है। जी सर। मतलब है वजह शोहरत जो है उर्दू के। नॉवलिस्ट? नहीं। तेरा सवाल। ये हमने अभी नॉवलिस्ट नहीं, नहीं अदीब है, अभी अदीब तक बात रुकी हुई है। अशफाक साहब की? अशफाक साहब तो 98 से बाद की शख्सियत है, 98 के बाद फौत हुए। दोनों मियां बीवी का फ़र्क जो है वो कोई 10-11 साल 10-12 साल का था, तो वो तो अभी रिसेंटली फौत हुई हैं। अच्छा जनाब, वजह शोहरत शायरी है? नो सर। वजह शोहरत अगर शायरी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली नसर में अफसाना, अफसाने में मुफ्ती, मुमताज़ मुफ्ती, मसूद मुफ्ती, वो अपना शहाब नामा, मुमताज़ मुफ्ती, मसूद मुफ्ती, कुदरतुल्ला शहाब। अच्छा, मसूद मुफ्ती की तो मेरे ख्याल अभी रिसेंटली डेथ हुई है। जी बिल्कुल रिसेंटली। कुड भी मुमताज मुफ्ती, मुमताज मुफ्ती और शहाब, शहाब भी पुराने हैं लेकिन वो सन यही बनते हैं, करीब करीब बनता है। हम पहले शहाब कर तो नहीं चुके? शहाब पहले कर चुके हैं इसलिए शहाब इज आउट, शहाब हम कर चुके हैं। और ये कोई नसर निगार हैं, अब देखना ये कि अफसाना निगार हैं, इनकी वजह शोहरत प्ले राइट, टेलीविजन प्ले राइट भी हो सकती टेलीविजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अफसाना निगारों में बड़े जो है ना मोहम्मद मंशा याद हैं, लेकिन उनकी डेथ अभी हुई है बाद 5-6 साल पहले। जी जी जी, बाद में नहीं, 5-6 साल से पहले मेरा ख्याल है, उससे पहले। हाँ मतलब ये 98 के अराउंड नहीं है? नहीं नहीं, उसके बाद की है ये। बेसिकली 98 मींस 24 साल पहले, 25 साल। टीवी राइटर, कोई कहानी नवीस, नॉवल निगार, टेलीविजन राइटर्स, टीवी राइटर्स, बड़े बड़े मज़ेदार टीवी राइटर्स। बाय द वे बड़ा एक रीसेंट लॉस हमारा, अमजद इस्लाम अमजद है वो तो है। अमजद साहब टीचर भी थे, अंग्रेजी में पढ़ाते थे, लिखते उर्दू में थे। वाज ही एन इंग्लिश टीचर? नो, ही वाज एन उर्दू टीचर। मेरा ख्याल है उर्दू टीचर। उर्दू टीचर, आई एम मिक्सिंग अप विद भट्टी साहब। भट्टी साहब और भट्टी साहब दिलदार परवेज भट्टी, तो वो तो शेक्सपियर बड़ा सुनाया करते थे। हम कर चुके हैं जी नॉवेल। टीवी का भी कोई पंजाब से कोई राइटर ऐसा जिसका इंतकाल उस दौर में हुआ हो? नो। वो किसने लिखी अपने वारिस? भाई वारिस अमजद इस्लाम अमजद ने लिखी, और किसने लिखी जिनका इंतकाल जस्ट अ फ्यू डेज अगो? और जोक सियाल जांगलूस वाज मुमताज मुफ्ती? नहीं, वो तो शौकत सिद्दीकी का नहीं, शौकत सिद्दीकी। And he's from Karachi. He was from Karachi. He's from Karachi. जांगलूस उनका नहीं है फिर, वो तो खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती। यार क्या कर रहे हैं आप शकील साहब? जांगलूस अमजद इस्लाम अमजद ही का तो नहीं है? नहीं, नहीं, अमजद इस्लाम अमजद ने इंस्पिरेशन ली थी वहां से वारिस के लिए। जांगलूस इज शौकत सिद्दीकी।
खुदा की बस्ती किसका है? उसी का है, शौकत सिद्दीकी साहब का ही। खुदा की बस्ती भी उसी का जी। टीवी के जो मेजर चिराग गुल हुए ना, उनमें मुन्नू भाई थे, उनमें अशफाक अहमद थे, बानो कुसिया थी, ये तो सारे लेट जी, उनमें अमजद इस्लाम, अमजद जस्ट जॉइंट द क्लब, कराची से रिजवी, वो जो अलिफ नून वाले, हाँ कमाल अहमद रिजवी ने बहुत अरसा अपना लाहौर में गुजारा। जी जी जी, लाहौर का थिएटर बड़ा वाइब्रेंट था। हाँ, यही पूछ रहा हूँ कि इसके बाद उन्होंने कभी उस तरह का काम किया जैसे? नहीं, उन्होंने कोशिश की, मिस्टर शैतान, वो उतना सक्सेस। मैंने उनसे एक लिखवाया था, दूध पीते नवाब, उन्होंने लिखा था एनटीएम के लिए, बहुत अच्छा लिखा, वो तीन चार एपिसोड थे, तीन एपिसोड। अच्छा, ये एस्टेब्लिश हो गया कि राइटर हैं, अदीब हैं? जी, राइटर हैं, अदीब हैं, नसर निगार हैं। हैव वी डन इब्ने सफी? आई डोंट थिंक सो। इसरार अहमद इब्ने सफी, इसरार उनका नाम। बट वाजंट ही सेटल्ड इन कराची? नो, एक्चुअली ही वाज फ्रॉम क्वेटा, हिज फैमिली वाज फ्रॉम क्वेटा, नाउ लिविंग इन लंदन इंग्लैंड। लेकिन बेटा उनका, आई थिंक वो तो यूएस में है शायद, अमेरिका या अमेरिका में, बर्तानिया में, मैं क्योंकि चेज कर रहा था। अच्छा अच्छा, इब्ने सफी की फैमिली ने रब्ता किया मेरे साथ, किसी ने उनके बिहाफ पर या उन्होंने बराह रास्त या किसी के जरिए मेरे साथ रब्ता किया था, मुझे याद नहीं कि आप उन पर कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। देखते होंगे ना शो, हमने शो में तस्करा किया था एक दो दफ़ा। नहीं। अच्छा जी, मुमताज़ मुफ्ती की तरफ जा रही है बात, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन बहुत बात का कैरेक्टर है। अच्छा, व्हाट अबाउट नसीम हिजाजी? यस, नसीम हिजाजी आल्सो फिट्स द बिल। आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान और तलवार टूट गई, शाहीन, आग को खून। अच्छा जी, इज ही नॉवलिस्ट? जी सर। अब अगर नॉवलिस्ट है ना तो फिर मुमताज़ मुफ्ती नहीं, क्योंकि मुमताज़ मुफ्ती नॉवलिस्ट भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हैं ये, या नसीम हिजाजी हैं, और या, लेकिन अगर ये नसीम हिजाजी नहीं पूछेंगे, टू इजी। नहीं, नसीम हिजाजी एक ऐसा नाम है जो हमारा रिसर्चर इतना, नहीं नहीं, मख्फी भी हो सकता, मतलब देखे ना, मेरी नजरों से ओझल था, शकील प्रॉम्प्टेड मी। 15 सवाल। मेरा ख्याल है कि मैंने, आप अकेले नहीं बैठे हुए ना। हाँ, हिजाजी साहब को कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पढ़ा हुआ, पीरियड उनके इसी नजदीक है। वो ईस्ट पंजाब से थे? जी जी, बहुत सारे ईस्ट पंजाब से, गुरदासपुर, गुरदासपुर से। और इनका असल नाम था मोहम्मद शरीफ। इनकी पीरियड ऑफ डेथ यही बनती है 98 के करीब, मेरा ख्याल है यही बनती है, क्योंकि एवर सिंस देन नेवर हर्ड ऑफ हिम। उससे पहले उनका तस्करा हो जाया करता था। मेरे दोस्त हैं ये, अपना इनाम अकबर वगैरह के इंतहाई करीबी अजीज हैं, उनके मामू हैं जो इनके बेटे हैं ना, तो उनके नाना लगे फिर आफ्ताब अकबर के, इनाम अकबर के, ये माइडस वाला नहीं, गुलाम अकबर के बेटे। सो सर, या ब्रदर इन लॉ, हिजाजी साहब को कंफर्म करें, एलिमिनेट करें। अच्छा जी, वजह शोहरत तारीखी नॉवल निगारी है जी। यस यस यस, तारीखी नॉवल निगार और कौन जहन में आता है? यकीन और भी हो सकता है, और हो सकता है ऑडिशन पे किसी ने लिखा हो कोई नॉवल। खाक और खून इनका इसी पे है ना? खाक और खून बड़ा मशहूर वो है, लेकिन और तलवार टूट गई, शाहीन, आखिरी चट्टान, या ये बड़ी शोहरत के हामिल है। और वो जर्नलिज्म भी करते रहे, एक अखबार के एडिटर भी रहे, कोहिस्तान के। कोहिस्तान बड़ा ठीक ठाक चलता था, एक महदूद तो तरह की उसकी थी नीश, उसकी भी चेक कर लें ना, एडिटर, एडिटर का भी चेक कर लें। नहीं सर, नॉवल का नाम ले स्ट्रेट अवे, मतलब जर्नलिस्ट रहे, आखिरी चट्टान। हो सकता है कोई और हो जेन में जो तारीखी नॉवेल्स जो मॉडर्न टाइम्स के हैं उनमें, तो मैं समझता हूँ सफ़े अव्वल के जो है ना वो हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़, माशाल्लाह। कला जंगी, बहाओ, बहुत बड़े तगड़े दस्तावेजात हैं। ट्रेवलॉग्स, ट्रेवलॉग्स तो हैं ही, वो तो फिर उस दौर के, प्यार का पहला शहर, उंदलस में अजनबी, ये मेरे ख्याल में नसीम हिजाजी का काफी स्ट्रॉन्ग चांस है इसमें। लेकिन आप इन द मीन टाइम कुछ और भी सोचें कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के नॉवेल्स। क्वेश्चन कितने हो गए? 16 सवाल।
और हमने पूछ लिया आपसे उर्दू, पूछा ना उर्दू जी। मेरे ख्याल नाम एक एक नावल का उनके लिए। अच्छा जी, ये बताइए कि इनके मशहूर नॉवेल्स में से एक शाहीन भी था? जी सर। देयर यू गो, नसीम इजाजी पूछे। वाह वाह। आप कुछ कह रहे थे सर? इन्हां दा कोई शेर सुना दियो। इन्हां दा शेर लो जी, नसीम इजाजी साहब दा कोई शेर। इतनी वारी असी क्या है कि ओ शायर नॉवल निगार थे, अकल के अंधे कूड़ मगज। मैं एक दफा इस्लामाबाद होटल में था तो पता चला कि जी नसीम हिजाजी साहब के ऑनर में एक फंक्शन हो रहा है जिसमें जियाउल हक भी आ रहे हैं, तो मैं भी अंदर चला गया। तो जियाउल हक साहब ने स्पीच की और कहने लगे, मुझे पता है लोग कहते हैं नसीम हिजाजी 8वीं जमात से 12वीं जमात तक के बच्चों का अदीब है ना, तो कहते हैं अगर ऐसा भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसी उम्र में जहन बनता है, इसी उम्र यही फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो जियाउल हक बड़े फैन थे उनके। जी, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जियाउल हक इंतहाई महदूद मुताले के बिल्कुल इंसान थे और वो इसको कोई अपने लिए परेशानी का, शर्मिंदगी का बायस नहीं समझते थे। हाँ जी, मर्द जी, जिंदा नो, एशियाई जी, ताल्लुक साउथ एशिया से No. ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है जी सर। डेड एशियन मेल मिडिल ईस्ट, डेड मिडिल ईस्टर्न मेल। अब इसको नैरो करें, जाना पड़ेगा मेरे ख्याल पीरियड पे, सन पे जाइए। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी सर, 1973 से पहले। कितना को पहले, ये ना हो कि 2-3 साल 4 साल का 5 साल का फर्क हो रहा है। मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। फिर ये कहते हैं अराउंड दैट टाइम, यू नो, क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर नहीं है, दैट इज 70। अच्छा जी, नहीं डॉक्टर साहब, उनके इंतकाल को क्या 50, आपने कहा नहीं 50 से ज्यादा है, तो 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी सर, 1923 से पहले। लो जी, पुरानी शख्सियत है ये। ये पुरानी शख्सियत है, इस्लामिक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा भैया। हाँ जी, और पीछे जाइए 500 साल पे जाए जाए। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी, 1523 से पहले। 1523 से पहले, ऑटोमन, लेकिन हो सकता 600-700 से भी ज्यादा हो चुके हो। उस्मानिया, उस्मानिया पे जाइए, इनका जो है ना शोभा पकड़े, अब मुल्क पकड़े सर। नहीं, 500 से तो ज्यादा हुए हैं, लेकिन आगे जो है दूसरी लिमिट जो है उस पे 1000 पे आ जाए ना। नहीं, 1000 पे ना आए, 750 पे आए। और आपको अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला आल्सो, और इराक, इराक आल्सो, ईरान, ईरान, ईरान का तो इतने को ताल्लुक जजीरा नुमा अरब से है? नहीं है सर। अच्छा, इंतकाल को मेरा ख्याल 800 साल पूछ लिए जाए अगर। हाँ, और ये अरेबियन पेनिनसुला की शख्सियत नहीं है, मुझे यही लग रहा है ये ऑटोमन्स में से, ये ऑटोमन्स में से को हो सकता है। अगर उससे भी पहले की है तो फिर ये जो है सलाउद्दीन अयूबी हो सकते हैं। सलाउद्दीन अयूबी हो चुका है, हम कर चुके हैं, बेबरस भी कर चुके हैं, तिक्रित, दैट वाज तिक्रित के तिक्रित, 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 तिक्रित से तो सर उसकी वालदा थी, ताल्लुक था ना, ताल्लुक जाहिर है, उसका नानका तिक्रित था। आई थिंक ही वाज बोर्न इन तिक्रित, हां जी, लाइक सद्दाम हुसैन। तो इसको हमने 750 किया है या नहीं किया अभी? नहीं सर, आपने 500 तक पूछा है। 750 पे जाएं, 800 पे चले जाएं, 800 या 1000 पे, 1000 पे, वो जो है 1000 पे चले, 1200 का तकरीबन है उनका जो जंगें थी। जी जी, सलीबी जंगें, सलीबी जंगें, सलीबी जंगें। हाँ, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी हो चुका है मेरे भाई, बेबरस भी हो चुका है। व्हाट अबाउट नूरुद्दीन जंगी? नूरुद्दीन वो भी मेरा ख्याल है हो चुका है। एक तो मोहम्मद फातेह, सुल्तान मोहम्मद फातेह तो सर इधर का है। अच्छा चले, आप सलीबी जंगों के आसपास रहिए, लेकिन मेरा ख्याल पूछ लें कि 800 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल इज अ वेरी बिग, जी जी जी, नहीं वो तो खैर बिगेस्ट है, ऑल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आई थिंक 1453 या फिर ये है कि शख्सियत की जो नेचर है वो सियासत और जैसे मंसूर हलाज थे। नहीं सर, ये सियासत और हुकूमत से मुतालिक ही हैं। नूरुद्दीन जंगी
फिट्स द बिल, अगर हमने नहीं किया हो तो ये कंफर्म कर लेंगे। सलाउद्दीन अयूबी तो डेफिनेटली मुझे पता है हम कर चुके हैं, बेब्रिस कर चुके हैं, इनका ये वजह शोहरत सियासत और हुकूमत थी। मामून रशीद, यही जब आप अब्बासियों की तरफ आते हैं ना, मुस्तासम बिल्ला सबसे ज्यादा जो थर्ड क्लास था इनमें, मुस्तासम बिल्ला था, और उसका वजीर अलकमी, वो जो बदबख्त आदमी था जिसका बड़ा बुरा अंजाम हुआ मीर सादिक और जाफर की तरह। अलकमी तो कोई साइंटिस्ट नहीं, अल्केमिस्ट है आपके ज़हन में जो आ रही है, ये अल्केमी, अल्केमी उर्दू का हमदर्द नहीं, बट ये अल, ये दूसरा अल्केमी, अल्कम से 800 साल कर चुके हैं हम। सर आपने 500 तक पूछा, 800 तक जाएं शकील साहब जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल 800 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर, नो सर, 1223 के बाद, 1223 के बाद, बस 1265। आइए जरा बगदाद में जाइए जरा, ताल्लुक इराक से है? नो सर। मिस्र से है? नो सर। तुर्की से है? नो सर। तेरा सवाल। ओके, मेरा ख्याल शोबे पे क्लिक करें फोकस। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नो सर। ले जी अब पॉलीमैथ, ईरान, डेफिनेटली ईरान, अब पॉलीमैथ। अलबरूनी, अलबरूनी हो चुका है, इब्ने सीना भी हो चुका है, इब्ने सीना भी हो, इब्नुल हैसम, इब्नुल हैसम, आहा, इल्मो फजल से ताल्लुक है? जी सर। अच्छा इसमें जो है ना, जो मजहबी नौयत की शख्सियत है, मंसूर हलाज है और इब्ने अरबी, इब्ने अरबी, मंसूर हलाज के बाद, और फिर वो जो है इब्ने तैमिया भी हो सकते हैं भाईजान। ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे इब्ने तैमिया को, जो मैथ्स में, कौन जी, अल ख्वारज़्मी, जी जी ख्वारज़्मी तो मैथ्स का, ख्वारज़्मी मेरे हिसाब से वाज बॉर्न इन अफगानिस्तान, या या सेंट्रल एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया, ही वाज बॉर्न इन अफगानिस्तान, ख्वारज़्म, ख्वारज़्म, ख्वारज़्म वाज, ख्वारज़्म उस वक्त ये अफगानिस्तान का हिस्सा थी, ये वो था ना सेंट्रल एशिया, ए पर्शियन एम्पायर, या। 15 सवाल मैंने पूछा ईरान, आपने कहा नहीं, ईरान आपने इराक पूछा, ईरान भी पूछा है, नहीं सर आपने ईरान को गैस किया था, फिर ये पर्शियन एम्पायर का कैरेक्टर डेफिनेटली, इराक, इजिप्ट, टर्की, व्हाट अबाउट उमर खयाम, वो भी ईरानियन सर, वो पॉलीमैथ है, इल्म फजल इन्होंने हाँ किया है ना, उमर खयाम भी बनता शायर, साइंसदान, बिल्कुल साइंटिस्ट और पोइट, साइंटिस्ट, मौलाना रूम, मौलाना रूम भी है, यस, मौलाना रूम का तो टर्की में है ना मजार है, लेकिन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से गए थे ना, यहाँ से ईरानियन, निशापुर ईरान, पर्शियन एम्पायर, उज़्बेकिस्तान, ये फिर पूछ लें कि पॉलीमैथ हैं कोई, इजी अब, लेकिन पॉलीमैथ भी है तो फिर शायर, तो अब ही फ्लेड द मंगोल्स, शम्स तब्रेज़, नहीं उनका तो इंडिया से ताल्लुक भी था ना, ही केम फ्रॉम देयर, लिव्ड इन इंडिया, मुल्तान, हाँ जी मुल्तान, इंडिया मीन्स सब कॉन्टिनेंट। अच्छा जी कोई डेफिनेटली ईरानियन पर्शियन एम्पायर की कोई शख्सियत, कोई पॉलीमैथ है, पॉलीमैथ इतने हैं कि इनमें से कुछ जो हैं वो तो मतलब शायर तो नहीं थे ना ये, नहीं सर शायर इनमें से सिर्फ उम्र खयाम, उम्र खयाम, कोई साइंसदान, अलबरूनी, अलबरूनी हो चुके, वो शायर नहीं थे, हो चुके अलबरूनी लेकिन वो रियाजीदान थे, इस पे उन्होंने शायर का तो हमने पूछा ही नहीं अभी, आपने पूछा है, आपने इल्म व फजल पूछा, हमने इल्म व फजल, इल्म व फजल पूछा है, अब पॉलीमैथ, यहाँ कह चुके हैं उस पे जी, इल्म व फजल से ताल्लुक, रुबाइयात, 15 सवाल, दादी, दादी शिराजी भी हो सकते हैं, रुस्तम और सोहराब, ईरान का सवाल नहीं पूछा अभी, आ रहे हैं, ताल्लुक ईरान से, जी सर, जी सर, ईरान, इल्म व फजल, उमर खयाम भी आ जाते हैं, सादी भी आ जाते हैं, सर शायर तो हमने पूछा ही नहीं ना, शायर नहीं, शायर है, पूछ ले, मस्ट बी साइंटिस्ट, वरना फिर क्लियर हो जाएगा ना, फिर हम इधर आते हैं, साइंस जो है ना, रियाजी इज साइंस, या इट इज, इब्ने सीना इज साइंस, इब्ने सीना इज साइंस, वाज ही अ साइंटिस्ट, नो सर, नो सर, शायर, शायर जी, शायर आ गए आप, सादी शिराजी, सादी शिराजी, आई विल पुट माय मनी ऑन सादी शिराजी, शिराजी, 17 सवाल, क्या नाम है उसका, गुलस्तान, गुलस्तान,
गुलिस्तान या फिरदौसी? वो एक फिरदौसी, वो फिरदौसी, वो शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, गुलिस्तान बोस्तान फिरदौसी, दोनों उसी वक्त पीरियड के हैं। नहीं सर, लेकिन उम्र खयाम भी तो आपने बीच में वो कर दिया ना। अच्छा, उम्र खयाम वाज अ साइंटिस्ट टू। हाँ, वो तो पॉलीमैथ था। ये फिरदौसी है शाहनामा वाला या गुलिस्तान बोस्तान वाला वो है? अच्छा जी, इनकी तसानीफ में शाहनामा मशहूर है? नो सर। गुलिस्तान बोस्तान इनकी तसानीफ में से है? जी सर। आपने सादी शिराजी पढ़ाई। सवाल के बाद ये सर, जो शख्सियत आपने जिस दौर में पूछी है, ये रेत में से सुई निकालने वाली बात है ना? सहरा में से सुई तलाश की है। एफएसजे 750 साल कह रहे थे, अगर आप पूछते तो मैंने ऑलमोस्ट कहना था, बिकॉज़ इट वाज 1292। जी जी, लेकिन 1200 एंड समथिंग टेक्स यू टू बगदाद आल्सो, है ना? लेकिन आप इराक, कसम बिल्ला, इराक आपने पूछ लिया ना। जी, मर्द जी, जिंदा यस, एशियाई यस, साउथ एशियन यस, इंडियन नोप, पाकिस्तानी। अच्छा, मेरी शक्ल देख के पहला सवाल इंडियन पूछ लिया। हाँ जी, पाकिस्तानी जो जिंदा है और मर्द और इसके शोबे बटर डाइकोटी। अब इसके शोबे पे जाए, जरूर कम कर रहा होगा इस टाइम। हाँ जी, मस्ट बी वर्किंग फॉर, ओह यस, पाकिस्तानी मर्द जी, ब्रेड एंड बटर, ही हैज टू पुट फूड ऑन द टेबल। हाँ जी, बेचारा। कोई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का तो नहीं? तुसी इजी रहो बंदा जिंदा, शोबे को तुसी इजी रहो शकील साहब, तुसी या खोपे या लाग 10 मिनट कन्ना नु साथ दवाओ, कन्ना नु साथ दवाओ। अच्छा जी, स्पोर्ट्स से मरखा शुरू करें। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नो सर। इल्म और फजल से है? नो सर। सियासत और हुकूमत से है? जी सर। 7 सवाल हो गए? नौ सवाल। सियासत और हुकूमत मतलब ये जिंदा होने के बावजूद 9 सवाल हो गए। अच्छा जी, ये कंफर्म कर लें, इज इट सियासत? जी सर। सियासी शख्सियत है जी, 10 सवाल हो गए। ताल्लुक सुबह पंजाब से है? जी सर। सियासी पार्टी पीटीआई की कोई शख्सियत पूछ सकते हैं? ये कोई इस वक्त उम्र पे आए, उम्र पे शकील साहब। हाँ। 65 से कर लें फिर शुरू? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनकी उम्र 65 से ऊपर है? जी सर। जी सर, तो ये भी पूछा जा सकता है 70 से ऊपर? इसमें आपको सिर्फ 2 मिलेंगे, नवाज शरीफ एंड इमरान खान। जरदारी नहीं, शेख रशीद। जरदारी सिंध से है? जरदारी सिंध से है, और वो 70 से ऊपर नहीं है। वैसे मैंने अपनी इनपुट देने की कोशिश की थी। कितने क्वेश्चंस हो गए सर? 12 सवाल। अच्छा जी, पार्टी पे आ जाएं शकील साहब? बिल्कुल। या इलाके पे मेरे ख्याल जाएं? नहीं, पहले पार्टी चुके हैं, पंजाब हो चुका है। नहीं, साउथ पंजाब है, नॉर्दर्न। पहले पार्टी पे आए मेरे भाई, क्योंकि 3-4 पार्टियां फिर वो इस तरह से क्वेश्चन आए हो सकते हैं। तो 3-4 तो जावेद हाशमी हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं जो हमारे, वो हो सकते हैं शाह महमूद, अपना एक्स फॉरेन मिनिस्टर SMQ, शाह महमूद कुरैशी, वाद चौधरी। वो वाद इज नॉट ओवर 60, ये दोनों नहीं, 65 है भाई, हमने 65 पूछा है, और ये 65 से कम है, फवाद भी कम है, शाह महमूद तो 65 से ऊपर है। या ये भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, मेरे से 1 साल जूनियर था, ही शुड बी 64 और जस्ट टचिंग 65। रीजन पे आए पंजाब के? जी रीजन मेरा ख्याल ताल्लुक जनूबी पंजाब से है? नो सर। सेंट्रल पंजाब से है? नो सर सेंट्रल पंजाब नहीं है, फिर नॉर्थ जो है वो पिंडी डिवीजन है, के बाद तलागंग मियाँ वाली नॉर्थ पंजाब, मियाँ वाली इसको फिर आगे टच करता है, इधर से बक्कर लिया और उधर से DI खान, बिल्कुल लकी मरवत, लिया साउथ, बस सारा फिर आगे साउथ है।
बकर को नॉर्थ में गिनते हैं? बकर इज नॉर्थ। नॉर्थ से पूछें फिर? नॉर्थ से। नॉर्थ से ताल्लुक है जी? नो सर। साउथ नहीं है, सेंट्रल नहीं है, नॉर्थ नहीं है, तो वेस्ट हो गया ना। अब आ गया आपका साहिवाल, साहिवाल फैसलाबाद। 15 सवाल। साहिवाल फैसलाबाद। फैसलाबाद भी तो सेंट्रल पंजाब में नहीं आता? नहीं नहीं, वेस्ट में। वेस्ट तो इस तरह फिर वो डेरा गाजी खान और वो रहीम यार खान होगा ना वेस्ट तो? नहीं जी, वो साउथ है भाई। साउथ है तो वेस्ट में फिर कौन से आएंगे? साहिवाल, फैसलाबाद, जंग। जंग में से मेल जो है वो तो फैसल साले हाथ है। आपको डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचना है, एक लम्हे आउट हो जाएगा। अच्छा जी, जंग है किस में फिर? वेस्टर्न में। जंग भी वेस्टर्न में है, फैसलाबाद भी वेस्टर्न में है, साहिवाल भी वेस्टर्न में। तो फिर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से हुआ, वेस्टर्न पंजाब से ताल्लुक है जी सर। लो जी, साहिवाल, जंग, फैसलाबाद। राणा सनाउल्ला इज ओवर 65। हाँ, चौधरी शेर अली। 65। 16 सवाल। ताल्लुक फैसलाबाद से? नो सर। नहीं, ये पूछना चाहिए था कि क्या जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है इस वक्त गवर्नमेंट में है? अच्छा जी, क्या वो पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में है जिससे इनका ताल्लुक है? जी सर। जी सर। 18 सवाल। ये पीपीपी या पीएमएलएन है? फैसलाबाद नहीं है। ठीक हो गया, तो साहिवाल की साइड पे आए। साहिवाल, जंग। जंग में फैसल साले हयात सर, इज पीपीपी। ठीक है ना, ये तो हमने पूछ लिया था। सियासत वजह शोहरत है जी सर। तो बेसिक सवाल हम जो पूछते हैं वो यही होगा सर कि किसी आम ओहदे पर, हुकूमती ओहदे पर फायज रहे। एक बलीगो रहमान है, लेकिन वो तो साउथ से। वो साउथ से। साउथ। अच्छा, बलीगो रहमान की आज मुझे पता चला फैमिली में कोई हादसा हुआ था को बहुत बड़ा, उसके बच्चे बीवी मर गए थे। बलीगो रहमान मेरा ख्याल कुछ था इस तरह का। माय वाइफ वाज टेलिंग मी टुडे। फैसलाबाद एलिमिनेट किया, जंग रह गया। साहिवाल में कोई ऐसी शख्सियत जो जिंदा है? कोई ऐसी काबिले जिक्र शख्सियत? एक भी नहीं जो जिंदा है। जंग में तो बेशुमार है, फैसलाबाद में बेशुमार है। फैसलाबाद तो आउट हो गया। ओकाड़ा में हैं? नहीं, वट्टू इस वक्त हुकूमत में शामिल कब है? वट्टू इजंट ही डेड? यासीन वट्टू। यासीन भाई, मंजूर वट्टू इज अलाइव भाई। पार्टी है ना, हमने ये नहीं पूछा कि वो गवर्नमेंट में। नहीं, उसकी पार्टी भी नहीं है वट्टू की पार्टी। पीपीपी? ही इज नॉट पीपीपी सर, ही इज आउट। बड़ी देर का पीपीपी छोड़ चुका है वो, आजाद है इस वक्त और आजाद ही इलेक्शन भी लड़ा था वो। इस वक्त एस्पायरेंट है, उसका बेटा और बेटी को तो टिकट यस हो चुका है पीटीआई का। वट्टू को नहीं दे रहा ये, क्योंकि वट्टू कमजोर भी है और बीमार भी है। ओकाड़ा की शख्सियत। अच्छा जी, वजह शोहरत सियासत ही है जी सर। अच्छा जी, ताल्लुक साहिवाल डिवीजन से है जी सर। कोई शख्सियत साहिवाल डिवीजन की माँ सिवाय ओकाड़ा के? वट्टू, मंजूर वट्टू है, बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर भी रहा है, बहुत लंबा करियर है, बड़ा जीरक सियासतदान, और वो है भी पीपीपी में। पीपीपी मेरे हिसाब से वो छोड़ चुके हैं। कितने सवाल हुए जी? 19। लेट्स गो चीफ मिनिस्टर। नहीं जी, पीपीपी नहीं, चीफ मिनिस्ट्री की बात करें। चीफ मिनिस्टर कोई और नहीं है जो? नहीं है। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जी सर। देयर यू आर। आपने मंजूर वट्टू साहब को पूछा जी सर। अच्छा, आपको पता है डॉक्टर साहिबा कि ये मंजूर वट्टू साहब के स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं? आई वाज हिज मीडिया एडवाइजर। मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं। इन्होंने बड़ी दफा बताया। मैंने मंजूर वट्टू से बहुत कुछ सीखा है, हनीफ रामे से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, बाय द वे, मैं इन सब के स्टाफ में रह चुका हूँ, शहबाज शरीफ के भी, परवेज इलाही के भी। यस, यू आर द अल्टीमेट लोटा। नो नो, मैं भाई, मैं सरकार में था, मैं बीबी के साथ थी। मैं डीजी था, आई वाज डीजी पब्लिक रिलेशंस पंजाब, और मैं बीबी का स्पीच राइटर। वही तो कह रही हूँ, आप बीबी के साथ थी। मैं बीबी के लिए स्पीचेस लिखा करता था ऑन बिहाफ ऑफ हनीफ रामे साहब। अच्छा, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था ना, डीजीपीआर। आई वाज डीजीपीआर एंड आई वाज मीडिया एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब। उसके बहुत करीब था मैं। गुड पर्सनालिटी, मेरा वो अजीज भी है मंजूर वट्टू, एंड वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी सोबर गाय डिस्पाइट बीइंग अ प्योर पॉलिटिशियन, वाज वेरी सोबर। उसकी सोब्राइटी पे आप कभी बात
कभी चीप लचरस कोई भी बात बात जो है ना सवाल ही पैदा नहीं होता। महज़ब अंदाज था उसका। ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स आज भी कहते हैं कि इतनी डिग्निफाइड तरीके से मीटिंग कभी कोई हेड ऑफ द प्रोविंस नहीं लिया करता था जो वो करते थे। तो ये बहरहाल जो किसी का क्रेडिट है बिल्कुल दैट शुड बी गिवन। But is he back in the People's Party? No, I don't think he is back in the People's Party. His kids are aspirant for PTI tickets, which they most probably will secure. His daughter and one of his sons. I'm not sure about him. Shahina Kausar. Lekin Bhattu saab bahut bimar the pichle dino. He went to the US, stayed there for a while. He's back though. और अनकरीब मेरी उनसे मुलाकात होने जा रही है।